Hi everyone, I'm Dr. Millie and in this video I'm going to discuss molar conductivity and equivalent conductivity. Start करते हैं molar conductivity से. Equivalent conductivity बहुत छोटा सा topic है जिसको हम molar conductivity समझने के साथ ही automatically हम लोग समझ जाएंगे. तो let us start with the molar conductivity. Molar conductivity क्या है? It is the conductivity of the volume of a solution जिसमें एक मोल इलेक्ट्रोलाइट है. मतलब अगर मेरे पास एक कंटेनर में V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और उस V वॉल्यूम में केवल एक मोल इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व, तो मैं उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को बोलूंगी मोलर कंडक्टिविटी. यानी एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टिविटी होगी दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी. इस बात को हम ऐसे समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए सी मोल्स डिसॉल्व है, सी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is dissolved in suppose 1000 centimeter cube. Yani 1 liter mein aapka C moles dissolved hai. To 1 mole kitne electrolyte kitne mein dissolve hoga? That is 1000 upon C mole centimeter cube. To ye wo volume hai 1000 upon C. This is the volume जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है. तो व्हाट इज कंडक्टिविटी? लैम्डा एम. हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड? इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जिसमें एक मोल इलेक्ट्रोलाइट हो. तो इस वॉल्यूम में जिसमें कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट है उस मोल उस वॉल्यूम की कंडक्टिविटी को हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी. अब इस वी क्या है? ये वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल डिसॉल्व है. तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसकी जगह? कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन सी, जहां पर सी इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. सी कंसेंट्रेशन है तो सी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कप्पा इनटू 1000 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विल बी रिप्रेजेंटेड इन मोलैरिटी. तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, दैट इज लैम्डा एम इक्वल्स कप्पा 1000 अपॉन molarity. And if you want to calculate the unit, तो lambda m का unit क्या होगा? Kappa का unit क्या था? Kappa was what? Kappa was 1 upon r l upon a. और ये था आपका 1 upon ohm, l is centimeter and centimeter square. Or I can say ohm minus 1, centimeter minus 1. That was the unit of कप्पा. तो अब इस कप्पा की यूनिट को यहाँ लगा देती हूँ मैं. ओम माइनस 1 सेंटीमीटर माइनस 1. ओम को माइनस 1 को हम क्या और लिख सकते हैं? सीमेंस. सीमेंस सेंटीमीटर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मोलैरिटी. अब मोलैरिटी क्या होती है? हमें मोलैरिटी क्या होती है? इट इज रिप्रेजेंटेड इन मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब ऊपर लेके जाऊंगी मैं, तो दिस इज सीमेंस सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल्स. और आई कैन से सीमेंस स्क्वायर एंड द यूनिट ऑफ दिस लैम्डा एम बिकम्स सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1. सो दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. सो दिस इज मोलर कंडक्टिविटी. इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो कितना भी आप वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, अगर इस कंटेनर में इतने बड़े कंटेनर में देयर इज 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो मैं कहूंगी इसका कंडक्टिविटी इस मोलर कंडक्टिविटी. अगर आप सॉल्यूशन को इतना कर दें और उसमें भी केवल एक डालें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो उसका कंडक्टिविटी इज मोलर कंडक्टिविटी. बट नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. अगर आपका जो सॉल्यूशन है उसमें मोलैरिटी की जगह यू आर टेकिंग द कंसंट्रेशन टर्म कॉल्ड नॉर्मैलिटी, तो लैम्डा इक्विवेलेंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन नॉर्मैलिटी. तो अगर आपका सॉल्यूशन इज द नॉर्मल सॉल्यूशन जहां पे आपका नॉर्मैलिटी दिया है मोलैरिटी की जगह, यानी कि मोल्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट्स आर डिसॉल्व, तब आप उसे कहेंगे लैम्डा इक्विवेलेंट. एंड ऑब्वियसली द यूनिट विल चेंज, दैट इज द यूनिट विल टर्न इनटू नाउ सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट माइनस 1. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा
मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.